आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर पे की बात आई कि आपका जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सबसे पहले जो आपका मॉडल आया था वो जे.जे. थॉम्सन ने दिया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, बट उनका जो मॉडल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो रिजेक्ट हो गया। देन उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया। ये जो मॉडल था रदरफोर्ड का, उसने एक एक्सपेरिमेंट पे बेस किया, पूरा अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और वह एक्सपेरिमेंट था आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या था एक्सपेरिमेंट? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब पहले सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या होता है, ये आपका एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस है आपका। अब जो ये आपका पार्टिकल है, अगर हम इसके मास की बात करें तो देखिए इसका जो मास है वो 4 times है जो आपके प्रोटॉन से। ठीक है, इसके कुछ अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 times 4 times 4 times ज्यादा है आपके अल्फा पार्टिकल का मास किससे? प्रोटॉन से, दैट ऑफ प्रोटॉन। ओके, एंड इसका जो चार्ज है वो भी क्या है, इसका ज्यादा है। चार्ज कितना है इसका? 2 times ज्यादा है। ओके, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 times दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से चार्ज भी ज्यादा है और इसका मास भी ज्यादा है। तो इन शॉर्ट की जो आपका अल्फा पार्टिकल है ये कैसा है, आपका एक हैवी पार्टिकल है। ओके, अब पॉइंट आता है कि इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था। ओके, एंड क्या चीज थी उनकी परफॉर्मेशन में, क्या चीजें उन्होंने ली थी? तो उन्होंने एक फॉइल ली थी गोल्ड मेटल की। ठीक है, हैवी गोल्ड मेटल की क्या ली? फॉइल। तो क्या क्या चीजें यूज की वो देख लीजिए। हैवी गोल्ड मेटल फॉइल। ठीक है, उन्होंने एक फॉइल ले ली गोल्ड मेटल की। देन उन्होंने अल्फा जो पार्टिकल्स हैं आपके, हमने बोला अल्फा पार्टिकल्स ही, उस पर बम्बार्टमेंट कराए। लाइक जैसे बोल सकते हैं हम कि उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, आप इस टाइप से समझ लीजिए कि आपके एक मेटल की फॉइल थी, उस पर उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उस पर गिराए। ठीक है, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स उस पर गिराए तो वो किस टाइप से उनका काम हुआ, हमें वो देखना है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स गिराने का मतलब क्या है कि वहां से आपकी एक रेडिएशन गई। ठीक है, आप थोड़ा इस तरीके से समझ लीजिए कि एक लाइन थी वो वहां से मूव करी, अब वो किस टाइप से मूव कर सकती है। लाइक जैसे यहाँ पे आपका अगर मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका इस टाइप से क्या आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, मेटल पे आपका अल्फा पार्टिकल गिरा। अब मेटल पे गिरने के बाद इस पार्टिकल के साथ क्या होगा, वो चीज सबसे मेन थी हमारी कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 3 चीजें ऑब्जर्व की। क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की? जब आपने जो आपके अल्फा पार्टिकल्स है वो मेटल पे गिर रहे हैं, बिखर रहे हैं ये उसके बाद, बट ऑब्जर्वेशन जो थी इसकी यहाँ पे, एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सीधे पास हो गए। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ा सा क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया। ओके, एंड देन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनमें आपका बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, या फिर वो वापस चले गए, मतलब जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस निकल लिए। तो ये 3 observations हुई थी आपकी। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी देखिए, मैंने एक बार लिख लेते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने आपका जो एटम है उसके स्ट्रक्चर बताई। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो ज्यादातर आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या कर गए, पास कर गए, ये वाले जो कि आपके बिल्कुल स्ट्रेट गए, जिन्हें हम बोल सकते हैं अनडिफ्लेक्टेड, इन अल्फा पार्टिकल्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, क्योंकि ये हमारा मेटल कौन सा है, गोल्ड फॉइल है, तो इस फॉइल से वो क्या कर गए थे, पास कर गए थे हमारे ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो, और वो भी कैसे, अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि आपके कुछ पार्टिकल्स जो थे, कुछ पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्ट हुए, लाइक ये दोनों, बट एक स्मॉल एंगल पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द पार्टिकल्स, सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट बाय स्मॉल एंगल, एक छोटे से एंगल पे कुछ पार्टिकल्स आपके क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन थी जो कि आपकी ये थी कि आपके कुछ पार्टिकल्स में या तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर वो वापस ही चले जा रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वेरी फ्यू, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे आपके जो ये करेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड मेजर डिफ्रैक्शन, उनमें बहुत ज्यादा डिफ्रैक्शन हो रहा था या फिर वो क्या हो रहे थे, वापस जा रहे थे, डिफ्रैक्शन एंड इवन कम बैक, और वापस आ रहे थे जहां से हमने उन्हें भेजा था वहीं पे क्या आ रहे थे, वापस आ रहे थे, एंड इवन कम बैक इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो ये तीन क्या थी, हमारी ऑब्जर्वेशंस थी। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो आपका एटम की स्ट्रक्चर के बारे में क्या कंक्लूजन निकाला, अब उसके बाद ये मेन आएगा। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्वेशन से ही पॉइंट नहीं आता, पॉइंट मेन ये है कि ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूड क्या किया। अब देखिए, सबसे पहली जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि यहाँ पे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स आपके पास कर गए गोल्ड के फॉइल में से, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे ज्यादातर जो स्पेस है आपके एटम में वो क्या है, एम्प्टी। तो हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एक्सपेक्टेड टू बी एम्प्टी। उसने एक्सपेक्ट किया कि ज्यादातर जो स्पेस है इसमें वो क्या है, एम्प्टी है, खाली स्पेस है। जब खाली स्पेस है तभी तो आपकी जो वो रेज आ रही थी वो सीधा निकल गई, अगर कुछ ना कुछ चीज होती, अगर उसके रास्ते में कोई चीज आती तो वो उसे टकराती, और अगर वो टकराएगी तो किसी ना किसी एंगल पे जाएगी वो रेज, सीधी नहीं निकलेगी। अगर सीधी निकल रही है तो इसका मतलब है कि उसके रास्ते में कुछ भी नहीं आया और वो बिना उसको किसी ने तकलीफ दी वो सीधी निकल गई। तो ज्यादातर आपके पार्टिकल्स ऐसे हुए थे, मतलब ज्यादा जो स्पेस है आपके एटम में वो क्या है, खाली है। देन जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो कह रही थी कि कुछ आपके ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, ओके, एंड देन बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है या फिर वो सेम ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, आपके वापस जा रहे हैं। अब इन दोनों जो ऑब्जर्वेशन थी, सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन, इससे ये पता चल रहा है कि जो आपका पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है जिससे वो टकराया और उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं पे डिफ्लेक्शन कम है और कहीं पे डिफ्लेक्शन क्या है, ज्यादा है। तो इस चीज से जो ये था कि बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है आपका एटम का वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि द पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला वो ये था कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपका ये पॉजिटिव चार्ज जो है, जिसे हमने क्या बोला है, प्रोटोन। ओके, देन नेक्स्ट रदरफोर्ड ने बोला कि जो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है एक स्मॉल सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर स्पेस आपका क्या है, एम्प्टी है, तो उसकी जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है उसको उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस, कि जो आपका एक एटम है उस एटम के अंदर क्या है, आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, और न्यूक्लियस में मतलब क्या है, न्यूक्लियस का मतलब है यहाँ पे आपका प्रोटॉन प्रेजेंट है एक एटम में, उस छोटे से स्पेस को इन्होंने न्यूक्लियस बोला है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट्स इन एन एटम, एक एटम में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पहले एटम है, उस एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है।
तो जो फाइनली जो रदरफोर्ड ने कुछ पॉइंट्स बोले वो क्या बोले, क्या स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने जो बातें बोली वो ये थी कि जो आपका एटम है उसमें दो पार्ट्स हैं। एटम क्या कर रहा है, दो पार्ट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। एक पार्ट में इसके पास न्यूक्लियस है, जो दूसरा पार्ट है उसको उन्होंने बोला वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है आपका। क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ओके, अब न्यूक्लियस जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके एटम का जो सेंटर है वहां पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटॉन, ठीक है। एंड जो आपका सेंटर ऑफ एटम है इससे आपका जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है ये क्या है, सराउंडेड, सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूम रहा है, जो आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो है ये इसके बाहर की तरफ है, इस टाइप से काइंड ऑफ आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो आपका एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है, मेनली न्यूक्लियस की वजह से होता है। तो मास ऑफ द एटम, मास ऑफ एटम इज मेनली ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कारण ही क्या होता है यहाँ पे मास होता है, ठीक है। और जो ये आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये हमने बोला आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटोन होता है। ये आपका एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है जिसमें कि आपका न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जिसमें क्या प्रेजेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपका, ठीक है। अब देखिए जो प्रोटोन का पॉजिटिव चार्ज होता है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और जो आपका कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है, एटम जो होता है वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे हमारा एटम क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। और ये चीज जो जे जे थॉम्सन का जो मॉडल आया था उन्होंने भी यही बोला था कि जो आपका एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या बोल दिया, नॉट स्टेशनरी, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, वहां पे एक जगह खड़े नहीं है, ठीक है। तो जो आपके रदरफोर्ड थे इन्होंने आपके एटम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसी जिसकी वजह से ही आपका जो एटम है उसके पास क्या होता है, मास होता है, ठीक है। सेंटर में मास प्रेजेंट होता है, वहां पे आपका प्रोटोन होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, इसके चारों तरफ घूम रहा होता है, कंटिन्यू वो घूम रहा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। एंड बट जो आपका एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये थी आपके रदरफोर्ड की ने जो आपके एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी वो। बट जो आपका रदरफोर्ड मॉडल आया इसके भी कुछ लिमिटेशंस थी, एंड वो लिमिटेशंस क्या थी वो अब हमें नेक्स्ट में देखेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।